ये मथुरा से उदय भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय भान जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। मेरे पास एनवीसीसी और आईआरएफसी के 300-300 शेयर हैं दोनों के। हाँ जी हाँ जी, भाव बताएंगे सर। एनवीसीसी 103 है और आईआरएफसी 145 है। मैं एक साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, आगे का भविष्य थोड़ा बताएंगे। मतलब आपने सही भाव पर एंट्री की है, आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है दोनों ही शेयरों में, लेकिन शेयर ठीक ठाक हैं दोनों। मतलब एनबीसीसी एक इंफ्रा का प्ले भी है, बजट सामने खड़ा है, शेयर में तेजी देख भी रहे, और आईआरएफसी तो क्या कमाल का चला है, महीने भर में हमने देखा है करीब 60% के आसपास की रैली हो गई है। निमेश जी दोनों शेयरों पर व्यू शेयर कीजिए, आईआरएफसी एनबीसीसी साल भर के लिए ठीक है, अगर ठीक है तो लक्ष्य क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से। देखिए मेरा मानना है कि जिस लेवल से एंट्री के स्टॉक में ऑलरेडी एक हम लोगों ने रन अप देख लिया था और बाद में एंट्री हुई है, तो लोअर लेवल से एंट्री नहीं है, थोड़ा महंगा है स्टॉक के अंदर, वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में आ सकती है। मेरा मानना है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, भले आपका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का हो, बट एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। और मार्केट फरवरी महीने में देखें तो नॉर्मली वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, स्टॉक के अंदर भी वोलेटिलिटी आएगी, तो बेटर है कि आप एक सर्टेन लेवल प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी रहता है। तो मेरा मानना है कि दोनों में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले, क्योंकि इवेंट है, बजट है, और उसके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट का या कुछ भी अनाउंसमेंट नई नहीं आती है या जो कुछ भी इलेक्शन है तो वोलेटिलिटी रहेगी, तो मेरा मानना है कि क्लियर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सुझाव, थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है फरवरी के महीने में बाजार में, और बेहतर होगा कि आंशिक मुनाफा वसूली आप कर लें।